हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट के रिजल्ट में जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, आप उनका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है क्या होने वाला है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो ऐसे ही मिलता रहे और आप कभी भी नेट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है मिस ना कर सकें। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको एससी जीपीए सीजीपीए, यहाँ पर जो स्टूडेंट है इसके किसी भी रिजल्ट में किसी भी सब्जेक्ट में ए बी एब्सेंट ईआर या फिर फेल नहीं दिया गया है, और यहाँ पे नो रिकॉर्ड फोन जिनका आ रहा है या मेन ओपी जो है वो किस तरह से सही होगा, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके ए बी, जिन स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में ए बी मिला है उनको क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने उस सब्जेक्ट का पेपर दिया था, मेल किया था, ओ बी एग्ज़ाम दिए थे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेकर अपने एसोल कैंपस नॉर्थ कैंपस में विश्वविद्यालय के पास पहुँच जाना है, जहाँ पर दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है, एसोल का आईडी और जो आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, उसको लेकर जाना है। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी के टाइम जो लाइब्रेरी होती है सोल की, वहाँ पर जाना है, वहाँ पे बात करना है कि आपको एब्सेंट दे दिया गया है जबकि आपने उस पेपर को अटेम्प्ट किया था। और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके यहाँ पे ग्रेड में 0.0 लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेड का ये ग्रेड है ना कि मार्क्स है। यहाँ पे ग्रेड का मतलब ये होता है कि 30 नंबर से अगर आपके कम आए हैं, जैसे 29 भी आए हैं, 28 भी आए हैं, तब यहाँ पर आपको जीरो मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जिन स्टूडेंट का एब्सेंट शो हो रहा है और उनका उन्होंने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी दिया है, तो उसका जो रिज़ल्ट का प्रॉब्लम जो है ये सॉल्यूशन इसका हो सकता है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनको ईआर या फिर फेल दे दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी, एसओएल कैंपस में विजिट करना होगा और बात करना होगा कि आपको ईआर फिर एफ क्यों दे दिया गया है। जब तक दोस्तों आप एसओएल कैंपस में विजिट नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपका जो ईआर प्रॉब्लम है या फिर एफ प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको एसओएल कैंपस में विजिट करना ही होगा। और इन सभी के अलावा दोस्तों आपको रिजल्ट में जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं, जिनमें दोस्तों आपका मेन ओपी हो गया, आपका फादर नेम मदर नेम या डेट ऑफ बर्थ है गलत शो हो रहा है, तो इसको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो एस सी जी पी ए है, अगर आपका सी जी पी ए निकलेगा फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद दोस्तों आपका फर्स्ट ईयर का जो परसेंटेज होगा वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।